अब ये सब कुछ मेरा है ना। माँ की यही इच्छा थी और हम सब भी यही चाहते हैं। हाँ सुनीति, प्रेसिडेंट की ये कुर्सी अब तुम्हारी है और अब मुझे इस कुर्सी से कोई नहीं हटा सकता। कोई से तुम्हारा मतलब? ऑब्वियसली काजल, सुनीति शीतल की बात कर रही है। लेकिन शीतल दी भी तो यही चाहती हैं। लेकिन जब मैं मिसेस सुनीति सिंघानिया नहीं रहूंगी, माँ की बहू नहीं रहूंगी, क्या तब भी वो ऐसा चाहेगी? माँ ने सब कुछ तुम्हारे नाम इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम उनकी बहू हो, बल्कि इसलिए किया क्योंकि दर्पण को तुमसे अच्छा कोई नहीं संभाल सकता है। और वो ये भी जानती थी कि तुम दर्पण को उस ऊंचाई तक ले जाओगी जिस ऊंचाई तक पापा ले जाना चाहते थे। हाँ, और वो ये भी जानती थी कि मैं अपनी हर जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाऊंगी क्योंकि तुम मेरे साथ हो तरुण, रवि मेरे साथ है। क्या अब भी तुम दोनों मेरा साथ दोगे? हम दोनों ही नहीं बल्कि काजल भी तुम्हारा साथ देगी अगर तुम चाहो तो। काजल, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या चाहती हूँ, और सुनीति बदनाम हो जाए ऐसा कोई काम मैं नहीं करूंगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ प्लीज? वकील साहब आइए ना। वकील साहब, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। मिसेस सुनीति सिंघानिया, आपको दर्पण के प्रेसिडेंट की कुर्सी पर देखकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपने दर्पण को दोबारा संभालने का फैसला कर लिया है। दर्पण को तो तरुण के मजबूत हाथ संभाल रहे हैं, फिलहाल मैं अपनी जिंदगी तो संभालू। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तरुण, क्या तुम कहोगे कि मैं कहूँ? मैं? तरुण नहीं कह सकेगा सुनीति, तुम ही कह दो। वकील साहब वो। एक मिनट सुनीति। कहो रवि। वकील साहब से कुछ भी कहने से पहले फिर से एक बार सोच लो कि क्या तुम वाकई ये कदम उठाना चाहती हो। कदम तो उठ गए हैं रवि, जितनी जल्दी सफर शुरू हो जाए वही सबके लिए अच्छा है। तुमने मंजिल के बारे में सोचा है? ये सफर ही सुनीति की मंजिल है, बस जिंदगी के रास्ते पर यूं ही चलते जाना है। वकील साहब, आपको सुनीति को तरुण से तलाक दिलाना है। दीपक, दीपक, ये शर्ट आयरन कर दो ऑफिस के लिए आज। हाँ सुमन, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं? ऐसी बात नहीं है दीपक, आप तो जानते हैं अगर मेरा बस चले तो मैं आपको कभी भी कहीं भी जाने नहीं दूंगी। तो रोक लो ना मुझे, मत जाने दो मुझे कहीं। मैं भी तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता, कहीं नहीं जाना चाहता। आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी भाई, क्या एक पति अपनी पत्नी के साथ रोमांस नहीं कर सकता? तब तो पत्नी को अपने पति को जरूर ऑफिस भेजना चाहिए। भाई आज ऑफिस में हमारी छुट्टी, कल मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया तो बॉस ने कहा कि कल तुम्हारी छुट्टी, आराम करो, तो हम अपनी बीवी के साथ रोमांस कर रहे हैं। कैसे दीपक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लगता नहीं है लेकिन। क्या मतलब? वरना इतने रोमांटिक होने से पहले कम से कम तुम दरवाजा तो बंद कर लेते या डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड तो लगा लेते। आई टेल यू, तुम जितने पति लोग हो ना सबके सब बिल्कुल बेशरम हो। अच्छा हुआ कि मेरी शादी नहीं हुई और मुझे लगता है कि मैं अब शादी करना चाहूंगा भी। सुमन मिल जाए तब भी नहीं। दीपक, मेरा मतलब है अगर सुमन जैसी मिल जाए तब भी नहीं। कैसे मिलेगी? नहीं नहीं, कैसे मिलेगी, किसी को परवाह ही नहीं है मेरी। हाँ, कोई ये नहीं समझता कि मैं क्या चाहता हूं
क्या सोचता हूं, जब जी चाहे जो कोई मुझे बुला लेता है, जब जी चाहे भुला देता है। अभी तुम शहर से बाहर गए, मुझे बता के क्यों नहीं गए? तो क्या तुम सुमन से मेरी शिकायत करने आए? हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम सोचता हूं शिकायत करने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी धर्म पत्नी पहली बात तो मेरी बात मानेगी नहीं, और अगर मेरी बात मान भी ली इसने तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ करेगी। बस अंदर ही अंदर घुटती जाएगी और रोती रहेगी। तो फिर तुम्हें एक अच्छे दोस्त होने के नाते सुमन के पास होना चाहिए उसके आंसू पोंछने के लिए, क्यों? एक अच्छा दोस्त तो बाद में, लेकिन एक अच्छे पति को यह ख्याल होना चाहिए कि उसकी ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए कि उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आए, क्यों सुमन? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों कह कुछ रहे हो और उसका मतलब कुछ और है? और क्या मतलब है? और कोई मतलब नहीं है। खैर नहीं, ये सब छोड़ो दीपक, मैं तुमसे ये पूछ रहा था यार कि सुनीता से मुलाकात हुई? दर्पण जा रही है नहीं जा रही है? वो क्या हाल है उसके, कैसी वो, बात हुई क्या नहीं उससे? वो तो जैसे हमें भूल ही गई है। ना, दैट्स नॉट फेयर सुमन, दैट्स नॉट फेयर। भाई भूल तो तुम लोग गए उसे, वरना ऐसे वक्त वो तुम्हारे पास होती ना। ऐसे वक्त में मतलब? मतलब जब दीपक शहर से बाहर गया हुआ था तो सुनीता तुम्हारे पास आके रुकती ना, तुम्हें अकेला तो नहीं रहना पड़ता। मैं जानता हूं जो था कि सुमन अकेली नहीं होगी, तुम जो होगे उसके पास मेरे जाने के बाद। इसे कहीं मत जाने देना सुमन, कहीं नहीं। इसे क्या हो गया? पता नहीं। तुम्हें भी ये मानना होगा कि तुम अभय से प्यार करती हो, तुम्हें मुझे तलाक देना होगा। अभय को शीतल दी को तलाक देना होगा। तुम्हें और अभय को एक होना होगा। काजल, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन सुनीति तो यही समझती है ना तुम कि... सुनीति को हमारे बीच में हर वक्त क्यों ले आती हो? क्योंकि तुमने उसे अब तक हमारे बीच से हटाया नहीं। हेलो सुनीता, मैं जतिन बोल रहा हूँ। जानती हूँ जतिन, और कौन है जो मुझे सुनीता के नाम से पुकारता है? सुनीता, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, मैं तुमसे कल मिलने आ सकता हूँ? हाँ, तुम कभी भी आ सकते हो जतिन, लेकिन बात क्या है? सुनीता, बात जो भी है मैं तुम्हें मिलने के बाद बताऊंगा, मैं कल सुबह तुमसे मिलने आ रहा हूँ। ओके, ठीक है, बाय। ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो जतिन मुझसे करना चाहता है? तब तो मुझे भी शीतल से तलाक ले लेना चाहिए। इनफैक्ट मैंने तरुण से कहा भी कि वकील साहब को मेरे पास भेज दे। वो जरूर वकील साहब को तुम्हारे पास भेज देगा, क्योंकि आखिर वो भी तो यही चाहता है कि तुम सुनीति को अपना लो, और ये तभी मुमकिन होगा जब तुम शीतल को तलाक दोगे। तलाक, कितना कितना वाहियात शब्द है। ऐसे लगता है कि सुनीति को कोई गाली दे रहा है। वही क्या, सुनीति तो खुद अपने आप को गाली दे रही है। इतना बड़ा बलिदान सुनीति के अलावा कोई नहीं कर सकता। ऐसे इंसान कभी कभार जन्म लेते हैं। वो सचमुच एक बहुत ही महान औरत है। रवि, वो महान है, वाकई वाकई वो महान है, तभी तो वो सब कुछ कर रही है। इनफैक्ट उसने तो दर्पण भी जाना शुरू कर दिया है। अभी तक नहीं, वो चाहती है कि सब कुछ ठीक हो जाए और तभी वो दर्पण जाएगी, इसीलिए फिलहाल तरुण दर्पण को संभाल रहा है। हाँ, लेकिन दर्पण रहेगा सुनीति के नाम पर ही, और रहना भी चाहिए, आखिर माँ उसी के नाम कर गई है। लेकिन वो शीतल, क्या हुआ? तुम कुछ कहते कहते रुक गए। अभी तुम अच्छी तरह जानते हो शीतल कैसी औरत है। मैं वो जैसी भी है
अब वो सुनीति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती और मेरे ख्याल से वो कुछ बिगाड़ना भी नहीं चाहती। तुम भी तो जानते हो कि उसी ने सबको यकीन दिलाया कि वही सुनीति है। ये तो मैं भूल नहीं सकता, पर रवि वो औरत कुछ भी कर सकती है। जैसे कि? जैसे कि उसने ये साबित कर दिया कि वो सुनीति है, बड़ी आसानी से वो ये साबित भी कर सकती है कि वो सुनीति नहीं है। लेकिन कौन मानेगा उसकी बात को? मैं तो नहीं मानूंगा। मैं भी नहीं मानूंगा, कोई भी नहीं मानेगा। यही मैं सुनना चाहता था। अब सुनीति जो कहेगी सब उसी की बात मानेंगे, यहां तक कि शीतल भी। शीतल दी, ऐसी कौन सी बात कहना चाहते हो कि तुमने मुझे यहां बुलाया है? तरुण, सुनीति के लिए क्या क्या करोगे तुम? क्या कहना चाहती हो तुम? दर्पण छोड़ सकते हो सुनीति के लिए? दर्पण? हाँ दर्पण, तुम्हारे पिता श्री विजय सिंघाना का दर्पण, शीतल सिंघाना का दर्पण, तरुण सिंघाना का दर्पण, जो माँ ने सुनीति सिंघाना के नाम कर दिया। लेकिन तरुण, सुनीति तो कभी सिंघाना बनी ही नहीं, कभी नहीं, और अब तो वो तुम्हें तलाक देकर सुनीति अहुजा बनने जा रही है। और दर्पण फिर भी उसी का रहेगा। वही तो मैं कह रही हूँ, जब सुनीति से हमारा कोई रिश्ता ही नहीं रहेगा तो हमारा दर्पण उसका कैसे रह सकता है? हमारी माँ की यही इच्छा थी, अपनी वसीयत में भी उन्होंने यही लिखा था। जब माँ ने अपनी वसीयत बनाई थी तब वो ये नहीं जानती थी कि सुनीति एक ना एक दिन तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। सुनीति मेरी थी ही कब? जानती, उसने तो दर्पण को पाने के लिए तुमसे शादी की थी ना, और अब जब दर्पण उसका हो गया है तो वो ये शादी तोड़कर जा रही है। तुम्हारे नाम से नाम जोड़कर उसे दर्पण मिला और आज वो तुम्हारे नाम से अलग हो रही है। अगर तुम उससे कहोगे कि अभय को पाने के लिए उसे दर्पण को छोड़ना होगा तो वो छोड़ देगी, वरना तरुण तुम उसे तलाक नहीं दोगे। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो फिर तुम दर्पण को हमेशा के लिए खो बैठोगे, जिंदगी भर सुनीति के रहमो करम पे जियोगे, वो जब चाहेगी तुम्हें दर्पण से निकाल फेंकेगी और तुम्हारी कुर्सी पर अभय को बिठा देगी। तरुण, तुम एक सिंघानिया हो, दर्पण पर तुम्हारा हक है, तुम्हारे पिता का दर्पण तुम्हारा होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, जाकर सुनीति से पूछो क्या वो दर्पण को तुम्हारे नाम करने के लिए तैयार है। वो कभी तैयार नहीं होगी तरुण, और तब तुम खुद ही समझ जाओगे कि मैं तुमसे क्या कह रही हूं। कमाल है, जब से दीपक यहां से गया है उसने मुझे एक फोन तक नहीं किया। उसने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि मेरी जतिन से क्या बात हुई है। मुझे लगता है मुझे ही उससे फोन करना चाहिए, कम से कम पता तो चले कि वहां हो क्या रहा है। मैं देखती हूँ, आप बैठिए। हेलो। हेलो, हाँ सपना बोलो, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो सुमन? मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होना था, वैसे तुम्हें पता है ना दीपक वापस आ गए हैं। अच्छा, दीपक लौट आया है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन मैं कैसे जानती हूँ कि दीपक लौट आया है? वैसे ही जैसे तुम जानती थी कि वो जाने वाले हैं। हाँ, वो तो इसलिए क्योंकि दीपक ही मुझे बता कर गया था। लेकिन वो आ गया है ये उसने मुझे नहीं बताया, कहाँ है वो, जरा बात तो कराना।
वो सो रहे हैं सपना। सो गया इतनी जल्दी? एनीवे उसे कहना कि मुझे सुबह फोन कर ले। ठीक है, बाय बाय। सुमन, तुमने सपना से झूठ क्यों कहा कि मैं सो रहा हूं? क्योंकि मैं जानती थी आप उससे बात नहीं करना चाहते, वरना आप उसे फोन नहीं करते। मैं आपसे ये जानना चाहता था वकील साहब कि रोहिणी जी से विरासत में मिली सुनीति को सारी जायदाद, सारी संपत्ति वो किसी के नाम ही कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। जब सब कुछ उसी का है तो वो कुछ भी किसी को भी दे सकती है। सिर्फ एक सिग्नेचर करने की देर है। सिग्नेचर? हाँ, वो भी मेरे प्रेजेंस में। सही, ताकि शक की कोई गुंजाइश ही ना रहे कि वो सिग्नेचर सुनीति के हैं या नहीं है। और जाहिर है कि अगर आपके प्रेजेंस में वो साइन करे तो आपको तो पूरा यकीन हो जाएगा कि वो सुनीति ही है। वेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं होगी। मिस्टर आहूजा, आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अभी भी डाउट है कि यह सुनीति ही है या नहीं। जी जी नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि अगर कोई प्रूफ करना चाहता है तो क्या सिग्नेचर वेरीफाई हो सकता है? अब डीएनए टेस्ट से बड़ी और कौन सी वेरिफिकेशन हो सकती है? सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा एक और बात, ये सुनीति और तरुण का तलाक कब तक हो जाएगा? ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए क्योंकि तलाक म्यूचुअल कंसेंट से हो रहा है। अब फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी तो प्रूव हो ही चुकी है क्योंकि दोनों एक साल से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, और डिवोर्स डोमेस्टिक फ्रंट पे हो रहा है इसीलिए फाइनेंशियल सेटलमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसीलिए दोनों बिजनेस तो एक साथ ही करेंगे। इनफैक्ट अब तक मिस्टर तरुण सिंघानिया ही बिजनेस संभाल रहे हैं। जानता हूं, वो तो बिजनेस संभाल ही नहीं सकते। हाँ, इस वक्त वो काफी उलझी हुई है। कह रहे थे कि जब तक ये तलाक का मामला निपट नहीं जाता वो दर्पण के ऑफिस में काम शुरू नहीं करेगी। मिस्टर आहूजा, क्या यही सब जानने के लिए आप मुझसे मिलना चाहते थे? नहीं, दरअसल मैं आपसे इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि मैं शीतल और मेरी तलाक के बारे में बात करना चाहता था आपसे। ओह, आई सी। रीजन? रीजन तो कई हैं। वैसे ये तलाक कब तक मिल सकता है? इसीलिए तो मैं रीजन जानना चाहता हूं मिस्टर आहूजा। अगर रीजन ही दोनों के बीच के झगड़े का इश्यू बन जाए तो फिर वक्त लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल पति अगर पत्नी पे कोई ऐसा इल्जाम लगा दे जो पत्नी मानने से इनकार कर दे तो फिर केस लंबा जा सकता है। इल्जाम? कैसा इल्जाम? जनरली स्पीकिंग तो एडल्टरी का इल्जाम ही लगाते हैं सब। आपका मतलब है बदचलने? या तो फिर यही रीजन है? तब तो तलाक मिलने में बहुत वक्त लग सकता है। यही तो मैं चाहता हूं वकील साहब। ठीक है, मैं पेपर्स तैयार करवा के भेज दूंगा। थैंक यू, बाय मिस्टर आहूजा। यानी कि सबको भरोसा हो गया है कि वो सुनीति ही है। बहुत सोच समझ के साजिश रची है शीतल ने, सबको कन्विंस कर दिया कि वो सुनीति है सिवाय मेरे। लेकिन अब मैं ये कभी जाहिर नहीं होने दूंगा कि वो सुनीति नहीं है। ये तो मैं जानता हूं और वो भी जानती है कि मैं जानता हूं। ये खेल मैं सबके साथ खेलता रहूंगा, तभी तो मैं वो कर पाऊंगा जो मुझे करना है। हाँ, सुनीति के साथ मिलकर करूंगा, सुनीति के लिए करूंगा।